जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। रिमेडीज, इस शीर्षक के अंतर्गत दूसरा पाठ। पहले पाठ में अपन ने ये देखा समझा जाना कि जो भी जातक या क्लाइंट अपने पास आया है और किसी समस्या से ग्रसित है, उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम है, तो उसके कई कारण हो सकते हैं। उसमें जरूरी नहीं है कि वो वास्तु ही एकमात्र कारण हो। अब वो कारण हमको पता कैसे लगे, उस समस्या को हम कैसे जाने, इस क्रम में ये दूसरा पाठ आज प्रस्तुत है, उसका यह शीर्षक है। तो जब भी कभी अपने पास कोई क्लाइंट बुलाता है, अपन जाते हैं किसी साइट पे, जाते हैं घर पर, जाते हैं ऑफिस, फैक्ट्री, इंडस्ट्री जाते हैं वास्तु विजिट के लिए, तो सबसे पहले अपना चित्त जो है वो शांत हो, स्थिर हो, प्रसन्न हो। जब अपना चित्त अशांत होगा तो हमको समस्या नहीं दिखेगी। जैसे वो जल हो, पानी हो, कहीं भरा हुआ हो, कोई गड्ढे में, तालाब में, किसी जगह, उसमें अपना मुख देखना हो तो चित पानी जो है वो शांत होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। इसी तरह अपना जो चित्त है, मन है, वो शांत होगा, स्थिर होगा, प्रसन्न होगा, अनबायस्ड होगा, पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होगा। पहले से ये नहीं सोचना कि समस्या जो है वो वास्तु की ही है या समस्या वास्तु की है ही नहीं, दोनों ही चीज़ नहीं सोचना। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कंडीशन में जाना है, अनबायस्ड कंडीशन में जाना है, शकुन देखते हुए जाना है ऑफ कोर्स। तो इस प्रकार से अपने को जाना है वास्तु विजिट के लिए। और जितने ज़्यादा क्षेत्रों का, विषयों का, मल्टीडिसिप्लिनरी कह लो, इंटरडिसिप्लिनरी कह लो, जितना वास्ट आपको नॉलेज होगा अलग अलग क्षेत्रों का, तो उतने एंगल से वो समस्या आप उसको देख पाओगे कि प्रॉब्लम कहाँ है। वो स्पिरिचुअल है, मानसिक है, सामाजिक है, व्यवहार की है, भोजन की है, किस प्रकार की है, वो आप तभी देख पाएंगे जब आपका जो ज्ञान का क्षेत्र है वो ज़्यादा होगा, अनुभव का क्षेत्र जो है वो व्यापक होगा, बड़ा होगा। और आप कैसे होंगे? न्यूट्रल होंगे। उसके बाद जब अपन जाएंगे तो सामने वाले की बात, हमारी दृष्टिकोण में उसकी बात को ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है, ध्यान से देखना है। हमको ऐसा शुरू में कंसल्टेंट लोग बताते थे कि जाते से ही उस पर एकदम से अपना प्रभाव डाल दो, ऐसा करो। उनके हम पक्ष में नहीं है। हम तो ये, हमारा ये सुझाव रहता है कि जब भी कभी कंसल्टेंसी करने जाएं तो जो भी क्लाइंट है, जातक है, उसकी बात सुने, उसके व्यवहार को माइन्यूटली ऑब्जर्व करें। यदि कोई फ़ोन आ गया है तो बीच में कैसे बोलते हैं वो, कोई बच्चा आ गया है, कोई कर्मचारी आ गया है, तो टोटल जो ओवरऑल उनका बिहेवियर है, व्यवहार है, बातचीत करने का तरीका है, चाहे ऑफिस में गए हों, फैक्ट्री में गए हों, इंडस्ट्री में गए हों, उसका सूक्ष्मता से निरीक्षण करना चाहिए। और उनकी बातें, उन्हीं बातों में ही कई बार वो अपने को बता देते हैं कि जब से हमने ये वास्तु में ये चेंजेस किए तब से प्रॉब्लम शुरू हुई। तो जो अपना ऑब्जर्वेशन है और व्यवहार है सामने वाले का, उसको एकदम सूक्ष्मता से देखना चाहिए, उसका निरीक्षण करना चाहिए। तीन पॉइंट थे, अभी एक आध कोई सा पॉइंट मिसिंग है कि जातक जो है, क्लाइंट जो है, वो अपनी बात हमें कब बताएगा, जो उसकी प्रॉब्लम है वो कब शेयर करेगा, कैसे शेयर करेगा, क्यों शेयर करेगा, साझा करेगा। जब उसको ये विश्वास हो जाए किसी भी प्रकार से कि आप जो है वो उसकी बात को गोपनीय रखोगे, कोई डिस्क्लोज नहीं करोगे, किसी को बताओगे नहीं, ना उसके परिवार के सदस्य को, ना सामाजिक रूप से सोसाइटी में। मान लो कोई बहुत बड़े घाटे में चल रहा है, उस पर लोन है, कर्जा है, कुछ है, कुछ है, कर्ज में है, उसकी कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कोई भी उसके जीवन में समस्या है, यदि उसको ये विश्वास हो जाए बात करते 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 कि आप जो है वो
उसकी समस्या को, उसकी प्रॉब्लम को गोपनीय रखेंगे, गोपनीय रखेंगे, उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और दूसरा ये कि उसको ये पता लग जाए, उसको ये आभास हो जाए कि आपके पास जो है वो उनकी समस्या का सॉल्यूशन है, आप उनकी समस्या को हल कर दोगे। एक और कंडीशन थी, इस समय भी याद नहीं आ रही। तो ये जब दो कंडीशंस पूरी होती हैं तो वो आपसे अपने सीक्रेट्स को शेयर करता है, अपनी जो समस्या का मूल कारण है उसको वो शेयर करता है, वो बताता है। कब बताता है? जब उसको ये भरोसा हो जाए कि उसकी बात गुप्त रखी जाएगी, नंबर एक। नंबर दो, आपके पास सॉल्यूशन है। तो ये विश्वास वो अनुभव से आता है, वो अनुभव से आता है। जब आपका अनुभव थोड़ा परिपक्व हो जाएगा तो आपके सामने क्लाइंट कह लो, जातक कह लो, वो अपनी समस्या का मूल कारण भी बताएगा, उसको शेयर भी करेगा, और उसके जीवन में कहाँ कहाँ ग्रंथियाँ हैं, कौन कौन सी कॉम्प्लेक्शन आ चुके हैं, कहाँ वो डिसीजन में अटक रहा है, वो भी पूरी बात बताएगा। तो हमारे विचार से इन सब बातों का ध्यान रखते हुए जब अपन वास्तु परामर्श देने जाते हैं तो हमें समस्या को देखने में, समझने में, पता लगाने में सुविधा होती है। आगे जो अपन सीरीज़ के रूप में, लेक्चर्स के रूप में डिफरेंट कंसल्टेंसी को, जो अपन ने कंसल्टेंसी की है उनको डिस्कस करेंगे, तो ये देखने समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से समस्या वास्तु के यानी स्ट्रक्चरल की नहीं है, बाहर है, उसको कैसे देखना, समझना, ठीक करना। कहीं विवाह की समस्या है, कहीं बच्चे की स्टडी से रिलेटेड समस्या है, कभी बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा उसकी समस्या है, इस प्रकार की अनेक समस्याएं जो वास्तु में हमको देखने सुनने में आती है, उनका कैसे हल निकालना, उसको भी देखने का समझने का प्रयास करेंगे। अभी इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं, आगामी पाठ में इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।